लाइफस्टाइल में आपका वेलकम। और आज हम कुछ पौधों को करेंगे गोडी आपके सामने, और कुछ पौधों को हमने दूसरे गमलों में लगाना है, और कुछ पौधों का मैं आपको तारुफ देती हूँ, और कंपोस्ट भी थोड़ी सी बनानी है। तो ओवरऑल अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ज़्यादा किस बात पे फोकस करेंगे, लेकिन गार्डनिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसके साथ वक्त गुजारें और इसको अपनी हॉबी बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और परमानेंट खुशी मिलेगी। हम ज़िंदगी में हमेशा परमानेंट खुशियों को तरजीह देते हैं, जो परमानेंट हो, परमानेंट चीज़ें हों। तो उसमें से ये जो हॉबी है आपकी गार्डनिंग वाली, ये बहुत अच्छी हॉबी है। अगर आप इसको अपना लेंगे और करेंगे तो आपको बेहद खुशी मिलेगी और आप बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। तो छोटे छोटे एक दो पौधों की मैं आपको केयर का आज बता सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि आपने किस तरीके से करना है। तो एक दो पौधों को पहले चलाएँ बढ़ाएँ और फिर नेक्स्ट वन बाय वन आगे चलते जाएँ। हम ज़िंदगी में चाहते हैं परमानेंट चीज़ें, परमानेंट चीज़ से हर एक को खुशी मिलती है, और अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए तो गार्डनिंग करें और इसको हॉबी बनाएं। जो अगर आप देखना आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये जो पौधा है, ये गुले दौबरी का ही पौधा है, और इसको मैंने लगाया था काफ़ी दिन पहले, और जोश जोश में जो एक गंदी जैसी मिट्टी पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दी थी, तो अब हो ये रहा है। उस मिट्टी की वजह से मुझे आज फील हो रहा है बेचारे के साथ कितनी ज़्यादा हुई है, कि ये इतनी हार्ड है कि मुझे गोडी करना भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आज हम इसकी जो हार्ड वाली मिट्टी है उसको हम निकालें और दूसरी इसमें डालें, क्योंकि ये बेचारा कैसे बढ़ेगा, कैसे फूले फलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। तो आज हम इसमें, क्योंकि जब ये इसके आगे नहीं बेटे, हो गया बच्चे ये इसको ना मुझे निकालना है इस मिट्टी को, और मुझे दूसरी को डालना है। ये भी बेटा इधर आओ ज़रा मेरे पास, इब्रान ये जो मिट्टी है ना बेटे, इसको सारा उसमें उतारो, इनको ज़रा परे करो, इसको ज़रा बिल्कुल परे करो, हाँ इसको बेटे उल्टा दो इसमें पकड़ के, इधर से ये दो चीज़ें इसके पकड़ने वाली। इसमें हम दूसरी मिट्टी डालेंगे, ये बेटे यहाँ पे पड़ी है वो गमला लेके आओ, ये इसमें ना बिल्कुल सही वाली मिट्टी है हमारे इस गमले में, तो ये जो है ना ये हम इसमें डाल के ले आओ, ये ठीक है। ये बेटे बड़ा वाला रंबा लेके आओ, आज ना इसकी मिट्टी असल में बहुत हार्ड हो गई, सोचा तो कुछ और था करने को। ये बेटे दूसरा मजबूत वाला रंबा दो, ये इससे ना कर बच्चे, ये टूट जाएगा, ये बहुत नाजुक सा है, और आज हमने सोचा तो कुछ और काम करने को था, लेकिन ये जो है ना टूट गया, कोई बात नहीं, मुझे लग रही नहीं चलेगा, खैर इसको रहने दो बेटे, ये सूखा नहीं अभी तक, छोड़ दो ना करें, हाँ इसको नहीं, दूसरा कोई करेंगे, इसमें पानी देंगे, हाँ गोडी कर दो, गोडी कर दो, उधर ले जाओ उठा दो, हाँ ठीक है सही है, घुमा लो बेटे, हाँ ये मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसे ही लगा दी थी कल, मैंने चांस किया था कि उग गई तो उग गई, नहीं तो जो खुदा को मंजूर। और ये ब्रांड है वो काला डिब्बा है या इसमें खाद थी, नहीं है काला डिब्बा मेरा ख्याल है, नहीं है वो एक बाल्टी है उसमें भी हमने खाद डाली थी, है उसमें मिट्टी, ये इसमें डाल ले आओ, ये इसको लेके आओ, हाँ बेटे ये बिको को वहाँ रख देगा, छोड़ दो इसमें, छुट्टियों ने ये जो है ना, ये मेरे पास गोबर खाद पड़ी हुई है और ये काफ़ी पुरानी है, तो अब ये मैं पौधों को डाल रही हूँ,
क्योंकि गोबर खाद और सरसों की खली जो है इस मौसम में हमें अपने पौधों को देनी चाहिए, तो वो अच्छे चलते हैं फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको गोड्डी भी ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी ये है कि करने तो कुछ और लगे थे, लेकिन ये इनको बेचारों को कभी पूछा नहीं है, दूसरे कामों में लगी रही, कंपोस्ट बनाना और ये वो, तो इस वजह से ये बेचारे निगलेक्ट हुए बहुत ज़्यादा। और इसकी जो मट्टी है ना, वो भी मैंने जोश से काम लेते हुए जोश में उससे काम नहीं लिया, तो इसमें जो मट्टी है ना वो भी ठीक नहीं है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी मट्टी जो है इसकी वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गमलों में जो मट्टी होती है वो उसमें भी बहुत केयर करनी चाहिए कि मट्टी हमने कौन सी डाली है, लेकिन जो क्यारियों में लगे होते हैं, जैसे जो ज़मीन में पौधे लगते हैं, उनको तो देखना ही चाहिए, उनमें भी खाद वगैरह हर चीज़ डालनी चाहिए। लेकिन गमलों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो वही विटामिन्स या वही ताकत ले सकते हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उनकी देख रेख करें और अच्छे से इनको रखें। तो अब मैं इन सब में गोड्डी करके तो ये डाल रही हूँ गोबर खाद, तो ये इनके लिए अच्छी होती। बेटे इसको उठाना, इसको उठा के वहाँ रख दो, इसको उधर रख दो। तो करने दो, आप क्यों पकड़ लेंगे? हाँ करने दो, करने दो, बोल देंगे तो कर लेंगे। आप देखना पाँव के नीचे में आएगा की है। हाँ ये उठा लो बेटे, किसी चीज़ से टिश्यू अंदर से टेबल पे जितने पड़े हैं ना वो लेके आओ, उनसे उठाते जाओ मेरा बच्चा। जूतियों को ना हमारे लग जाए इसलिए। नहीं वो टिश्यू आ रहे हैं ना, टिश्यू से कर लो। टिश्यू से ही कर लो मैं कह रही हूँ। चले फिरेंगे तो ठीक रहेंगे, इनका वो टोकरी में हो नहीं रहना चाहते, बस रात को डब्बे में सुला दिया, दिन में बाहर छोड़ दिया। समाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत मुझे ना, वैसे तो मुझे काफ़ी पसीना आता है, लेकिन काम करते वक्त